मून वाइज चैनल की जानब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना चैनल मून वाइज की जानब से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल मून वाइज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको पौधों के बारे में हैरान कन मालूमात बताएंगे। क्या आपको भिंडी तोरी पसंद नहीं? माने या ना माने पर यह पाकिस्तान की कौमी सब्जी है। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। आपको पता है चंद दरख्त ऐसे भी हैं जिनके पत्ते सर्दियों में भी पीले नहीं होते, जैसे कि आम, नारंगी और चिरौंजी। इस दुनिया में एक दरख्त ऐसा भी है जिसका सिर्फ छिलका सूंघने से ही इंसान बेहोश हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर इस दरख्त के नीचे से कोई गुजरे तो ये दरख्त इसे अपने साथ लपेटकर मौत की नींद सुला देता है। इस ख़तरनाक दरख्त को आदम होर, इंसान को खाने वाला दरख्त कहा जाता है। ये दरख्त अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है। चावल के हवाले से इंडोनेशिया के बहुत से जजीरों में एक अनोखा रिवाज रखा गया है जिसके मुताबिक चावल की फसल तैयार होने के वक्त शादी की जाती है और कटाई के बाद रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। चंद पौधे ऐसे भी हैं जो मक्खियों वगैरह का शिकार करके इन्हें मार के अपनी गजाई ज़रूरियात पूरा करते हैं, जैसा कि सन ड्यू। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल केला है, जिसके दरख्त में कोई भी लकड़ी नहीं होती। दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू है। शाही बलूत का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो कि अपना फल एक दो साल बाद नहीं बल्कि तकरीबन पूरे 50 साल बाद देना शुरू करता है। फूलों का बादशाह गुलाब और मलकाए गुले दाऊदी को कहते हैं। चावल की फसल सबसे पहले चीन में काश्त की गई। बालसा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी और ब्लैक आयरन दुनिया की सबसे भारी लकड़ी है। सबसे ज़्यादा फल देने वाले दरख्त का नाम नाशपाती है, जो कि करीबन 300 साल तक फल देता रहता है। बाकी पौधों की नस्बत स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है जिसका बीज इसके छिलके के ऊपर बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मून वाइज को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।